वेलकम टू EPSE डिज़ाइन। आज हम लोग पाइपिंग लिस्ट क्या होती है वो हम देखेंगे। ये एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हमें यूज़ होता है पाइपिंग करने के लिए, और इस पाइपिंग लिस्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और हम इसका क्या यूटिलाइज करते हैं। लाइन लिस्ट इज़ अ डाटाबेस created to communicate between the process and piping engineering teams when designing a piping layout। ये जो piping list जो होती है इसमें काफ़ी information होती है related to doing a piping। कुछ information जानना है, कुछ piping का parameters देखना है कि क्या temperature है, क्या pressure है, तो हम line list से use कर सकते हैं। और ये line list जो document है वो create होता है process department से, और फिर उस ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस से फिर पाइपिंग को मिलता है। लाइन लिस्ट में हमें फ्रॉम लाइन लिस्ट वी कैन फाइंड द PNID नंबर। यानी हम लाइन लिस्ट से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। पहला इंफॉर्मेशन ये है कि हम उसमें PNID नंबर्स जो है वो हमें मिल सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स मतलब लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है, ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है, डिज़ाइन टेम्परेचर कितना रहेगा, डिज़ाइन प्रेशर कितना रहेगा, ओके। फिर जैसे लाइक जैसे इंसुलेशन थिकनेस कितना रहेगा उसका, तो इंसुलेशन का अगर थिकनेस अगर जानना है तो जैसे लाइन लिस्ट में आपको उसका थिकनेस का क्या साइज़ है वो हमें पता कर सकते हैं। अभी इसमें एक चीज़ ये है कि लाइन लिस्ट कम इनटू टू फेज का मतलब क्या है कि एक फेज ये होता है कि एक क्रिटिकल होता है और एक नॉन क्रिटिकल होता है। अब क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि क्रिटिकल में मोस्टली ये होता है कि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है, किसमें, क्रिटिकल में। तो क्रिटिकल की लाइन लिस्ट अलग से क्रिएट होती है जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, साइज़ जो होती है वो बड़ी साइज़ होती है, जैसे कि लाइक 8 इंच से लेके 20 इंच तक या 24 इंच तक, डिपेंड्स करता है कि उसको कैसा लाइन लिस्ट बनाया जाएगा करके। और नॉन क्रिटिकल में क्या होता है कि नॉन क्रिटिकल में एक ऐसी लाइन साइज होती है कि जिसका हमें स्ट्रेस एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती है और बिना उसके हम क्लियर कर सकते हैं नॉन क्रिटिकल नेस। बट वो भी डिपेंड करता है क्लाइंट से कि हमें कितने साइज तक नॉन क्रिटिकल रखना है और कितना क्या इससे हमें क्रिटिकल रखना है। क्रिटिकल स्टेंस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉन क्रिटिकल डिपेंड्स ऑन साइज टू बी रिक्वायर्ड, यानी जो क्या साइज है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि साइज का क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें नॉन क्रिटिकल हम डिसाइड करते हैं। इट इज़ अ यूज टू पाइपिंग डिज़ाइनर एंड स्ट्रेस टीम। अब इसमें ये जो लाइन लिस्ट है पाइपिंग डिज़ाइनर का क्या यूज़ है, पाइपिंग डिज़ाइनर कैसे उसको यूज़ करता है, ओके, एंड स्ट्रेस टीम इसका क्या यूज़ कर सकती है। पाइपिंग डिज़ाइनर यूज़ ऑफ अ लाइन लिस्ट, पाइपिंग डिज़ाइनर क्या कैसे इस लाइन लिस्ट को यूज़ करता है। एक तो है PNID नंबर का इंफॉर्मेशन मिलता है, फ्रॉम एंड टू पता चलता है कि कहाँ से लाइन आ रही है और कहाँ तक जा रही है। पैरामीटर्स जैसे मैं बताया आप लोगों की टेम्परेचर प्रेशर जो होता है उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर और ऑपरेटिंग प्रेशर, डिज़ाइन टेम्परेचर, डिज़ाइन प्रेशर, ये पता कर सकते हैं। इंसुलेशन थिकनेस हमें पता चलता है कि लाइन लिस्ट में क्या इंसुलेशन थिकनेस है और कितना रहेगा करके। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाइल डूइंग अ पाइपिंग। यानी ये जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास लाइन लिस्ट, इसका भी हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज़ है पाइपिंग रूटिंग करने के लिए। रूटिंग करने के लिए ठीक है, बट इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें यूजफुल होती है। इंफॉर्मेशन ऑन अ लाइन लिस्ट, यानी जो लाइन लिस्ट होती है उसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो लाइन लिस्ट में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, एक तो होता है हमारे पास स्टार्ट पॉइंट, ओके, एक होता है एंड पॉइंट। अभी इसमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का क्या है, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पे एक इक्विपमेंट है, ओके,
यहाँ पे एक इक्विपमेंट है, मेरा लाइन यहाँ से ये इक्विपमेंट में जा रहा है और इसका फ्लो जो है ऐसा है, यानी ये फ्लो क्या कर रहा है, ये वन नंबर ये टी ए है मेरा और यहाँ पे मेरा ये एक्स है, ठीक है, और लाइन नंबर मेरा क्या है ए। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइन मेरा ये पॉइंट से निकल के ये पॉइंट पे जा रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, जो ए नंबर की लाइन रहेगी तो इसका फ्रॉम क्या बनेगा, फ्रॉम बनेगा ये और टू बनेगा एक्स। अभी इनकेस अगर मेरा कोई लाइन हेडर है यहाँ पे, उसका लाइन नंबर मैंने बना दिया जेड बना दिया, ठीक है, अब मेरा लाइन क्या हो रहा है, यहाँ से निकल के इधर जा रहा है, बट मेरा जो फ्लो है, जो फ्लो है वो यहाँ से आके इसमें आ रहा है, तो मेरा लाइन नंबर क्या रहेगा, जेड मेरा फ्रॉम में रहेगा, ओके, और टू मेरा क्या रहेगा, ए रहेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइन जेड में से निकल रही है, ये लाइन नंबर जो मैंने एक्स दे दिया, ये जो लाइन है इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, तो एक्स नाम जो रहेगा, ओके, तो फ्रॉम जेड टू ए, तो इसका मतलब ये होता है कि स्टार्ट और एंडिंग क्या होगा करके, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि इंक्लूड्स इक्विपमेंट कनेक्शंस और कनेक्शन टू अदर लाइंस, या इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट कनेक्ट रहेगा या लाइन टू अदर लाइन, तो इसमें कनेक्शन रहेगा। अब इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, सर्विस और कॉमोडिटी मटेरियल दैट्स आर फ्लोइंग थ्रू द पाइपिंग, यानी उसके अंदर जो मटेरियल है पाइप के अंदर क्या फ्लो हो रहा है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। फ्लूइड फेज, फ्लूइड फेज मतलब क्या है, लिक्विड है, वेपर है, स्टीम है, ठीक है, उस बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। पाइपिंग स्पेसिफिकेशन, पाइपिंग स्पेसिफिकेशन मतलब कि वो कौन सा स्पेक हमने यूज़ किए है ये लाइन के लिए। पीएनआईडी नंबर उसमें दिया जाएगा आपको कि उसमें कौन सा ये लाइन जो है, जैसे कि मेरी ये लाइन जो है ए नंबर की लाइन है, ये लाइन कौन से पीएनआईडी नंबर में आ रही है वो आपको पता चलेगा। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर वो रहेगा इन्फॉर्मेशन इसमें, और इंसुलेशन, इंसुलेशन क्या साइज़ का इंसुलेशन रहेगा, ठीक है। अभी जस्ट एक एग्जांपल है, ओके, जस्ट एक पीएनआईडी एग्जांपल के ले लिया हमने, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी एक लाइन हम एग्जांपल के ले लेते हैं, ओके, जो ये इक्विपमेंट है, ठीक है, E520A। अब क्या हो रहा है, लाइन यहाँ से निकल रही है, ठीक है, अब जब यहाँ से लाइन निकल रही है, ठीक है, ये देख रहे आपको ये फ्लो एरो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइन यहाँ से निकल के ये लाइन इधर आ रही है और लाइन यहाँ पर आके ये जो इक्विपमेंट है, ओके, ये जो इक्विपमेंट है लाइन यहाँ पे जा रही, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट रहेगा और ये मेरा जो है यहाँ पे जो लाइन आ रही, ये मेरा एंड पॉइंट रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि जैसे कि ये मेरा लाइन है, ओके, ये मेरा लाइन नंबर है, अगर लाइन लिस्ट में जाके अगर मैं ये लाइन नंबर ढूंढता हूँ तो वहाँ पे क्या रहेगा, इसका स्टार्ट पॉइंट और इसका एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, इक्विपमेंट में लिखा रहेगा फ्रॉम ई, फ्रॉम ई 1520A टू सी 1504। सो इससे हमें कैसा लाइन नंबर हम पीएनआईडी में ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा पीएनआईडी आप देखोगे, अब ये क्या आता रहा है, यहाँ पे ये इक्विपमेंट के अंदर आ रहा है, ठीक है, और ये लाइन नंबर, ये एक लाइन नंबर है जो कहीं से दूसरी पीएनआईडी से आ रही है। अब दूसरी पीएनआईडी में एग्जांपल ले लो कि ये लाइन कोई लाइन से कनेक्ट होके वहाँ से ये आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रॉम जो रहेगा इसका फ्रॉम, उसका लाइन नंबर जो रहेगा वो लाइन नंबर का नाम आएगा फ्रॉम में और टू में आएगा C5104, ये टू में हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, लाइन लिस्ट एग्जैक्टली क्या होता है वो हम चेक करेंगे कि ये जो लाइन लिस्ट होती है, तो लाइन लिस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, जैसे कि लाइक लाइन नंबर, पीएनआईडी, स्पेक, फ्रॉम एंड टू, ठीक है, साइज रहेगा, फ्लूइड रहेगा, सर्विस रहेगा, ओके, टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पे डिज़ाइन टेम्परेचर प्रेशर है, यहाँ पे ऑपरेटिंग टेम्परेचर प्रेशर है,
यहाँ पे इंसुलेशन रहेगा, टाइप, साइज, ऐसा, ठीक है। अभी क्या है इसमें लाइन, इसमें दो टाइप्स के ये होते हैं कि कभी आपको सिर्फ लाइन नंबर का सीक्वेंस नंबर आपको यहाँ शो करेंगे या पूरा आपको यहाँ पे पूरा लाइन नंबर शो करेंगे। अब जैसे कि मेरा एग्जांपल ले लिया 1011, ये मेरा क्या सीक्वेंस नंबर है। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से अभी समझो एग्जांपल मुझे किसी ने कह दिया कि भाई ये लाइन नंबर आपको चेक करके इसका रूटिंग करना है, तो मैं लाइन लिस्ट आऊँगा, लाइन लिस्ट में मेरे को समझो एग्जाम्पल पे 1018 मेरा सिक्वेंस नंबर है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मेरे को कौन से PNID से वो लाइन नंबर मिलेगा। तो मेरे को कैसा है कि कभी भी अगर आपको कोई लाइन नंबर ढूंढना है क्या भाई ये कौन से PNID में रहेगा, तो आपको फर्स्ट एक ही डॉक्यूमेंट में देखना है कि लाइन लिस्ट में, लाइन लिस्ट में आपको परफेक्ट लाइन नंबर का आपको PNID मिल जाएगा। तो आपको कैसा है, लाइक आपको अगर मैंने 50 PNID दे दिया, 50 PNID आपके हाथ में है और आपको मैंने लाइन नंबर दिया, तो आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे। तो उससे बेटर है कि आपको कभी भी ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास लाइन नंबर आपको फाइंड करना है कौन से PNID में, तो आपको लाइन लिस्ट से का डॉक्यूमेंट ही आपको हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल बताया 1018, तो ये मेरा लाइन है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे 208 ये मेरा PNID है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को स्पेक मिल गया B103। मेरे को इम्पोर्टेंट सबसे था कि मेरे को फ्रॉम एंड टू मुझे जानना था कि 1011 से लाइन निकल रही है और 10202 में जाके कनेक्ट हो रही है, ओके। अब यहाँ पे आप जैसे चाहोगे, मेन तो ये है कि लाइन नंबर मुझे पता चल गया, मेन तो ये था कि भाई PNID पता चल गया पहले किधर है, कौन से लाइन से निकल रही, कौन से लाइन में जा रही है, ओके। फिर उसके बाद में मुझे ये सर्विस तो मुझे पता ही है कि लाइन नंबर से मुझे पता चल जाएगा कि लाइन नंबर LP स्टीम है या कौन सा लाइन है, इसमें स्टीम है क्या है, वो तो लाइन नंबर से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ये प्रेशर और टेम्परेचर, डिज़ाइन प्रेशर और टेम्परेचर मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि डिज़ाइन प्रेशर टेम्परेचर कितना रखना है उसमें, क्योंकि जब मैं मॉडलिंग करता हूँ तो मुझे पैरामीटर्स मुझे डालना पड़ता है कि क्या प्रेशर टेम्परेचर रहेगा। कभी भी आप लाइन नंबर में देखोगे आपको इंसुलेशन का खाली ये रहेगा कि आपको इंसुलेशन डालना है या नहीं डालना है, ठीक है, बट उसमें साइज़ कभी मेंशन नहीं रहेगा। डिपेंड्स करता है लाइन नंबर कैसा रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको लाइन नंबर कैसा मिलता है, उसमें इंसुलेशन साइज मेंशन होता है नहीं होता है, ठीक है। तरीके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अपने अपने तरीके हैं कि वो कैसा मेंटेन करते हैं अपने लाइन नंबर को, कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं लाइन नंबर में। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इंसुलेशन में यहाँ पे आपको इंसुलेशन साइज मिल जाएगा लाइन लिस्ट में। तो लाइन लिस्ट का ये प्रोसीजर है इसको अंडरस्टैंडिंग करने का, और लाइन लिस्ट में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा लाइन लिस्ट से मिलेगी। अगर आप इस लाइन लिस्ट को अच्छी तरह समझ जाते हो, एक बार आपको समझना है कि लाइन लिस्ट का डॉक्यूमेंट का क्या रोल है और उसमें हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इससे आपको बहुत ईजी चीज़ें हो जाएगी कि आपको जैसे कि कोई PNID नंबर ढूंढना है, आप लाइन लिस्ट लिए आपको मिल जाएगा, पैरामीटर्स जानना है पैरामीटर्स मिल जाएगा, फ्रॉम एंड टू जानना है फ्रॉम एंड टू मिल जाएगा। इसमें मेन इंफॉर्मेशन चीज़ें ये है कि आपको तो एक PNID नंबर मिल जाएगा, फ्रॉम एंड टू आपको पता चल जाता है, इसमें पैरामीटर्स आपको पता चल जाता है, और आपको एक इंसुलेशन साइज आपको पता चल जाता है कि आपको इंसुलेशन साइज क्या डालना है, ठीक है। और माय फ्रेंड्स, दिस इज़ अ ये थोड़ा सा लाइन लिस्ट के बारे में डिस्क्राइब किया था मैंने आपको, ऑलरेडी मेरा एक ऑलरेडी पहले भी मैंने लाइन लिस्ट प्लेस किया था, बट कुछ व्यूअर्स ने कहा कि थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन उनको चाहिए, थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड हो सकते हैं, ओके। टिल देन थैंक यू, बाय।